तो मेरे भाई, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने तुमको लॉन्ग बॉल काउंटर के प्रॉपर एक डिटेल वीडियो दिया, जो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो जाके पहले वो वाला वीडियो देखो। लेकिन उस वाले वीडियो में बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर लोग ने मुझे बोला था कि मैं क्यूसी के ऊपर भी एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाऊं। सो उन लोगों के लिए आज मैं एक क्यूसी रिलेटेड प्रॉपर डिटेल में वीडियो ला चुका हूं। क्योंकि यार आज इस वीडियो में मैं तुमको कौन सा मैनेजर तुमको यूज करना है, कौन सा प्लेयर तुमको चॉइस करना है, कौन सा मिस्टेक तुमको अवॉइड करना है, कैसे तुमको अटैक करना है और डिफेंस के टाइम तुमको क्या करना है, ये सब कुछ ये वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एक लाइक कर देना, न्यू हो तो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट फ्यूचर में आता रहेगा। और तुमको नेक्स्ट कंटेंट किसके ऊपर चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं। सो अगर मैं पहले मैनेजर के बारे में बात करूं, देखो मेरे भाई, अगर तुम ये फर्स्ट टाइम क्यूसी खेलना स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास यूजुअली पेड मैनेजर नहीं होगा जो तुम कॉइन से खरीद सकते हो। तो तुम्हारे पास जीबी वाला मैनेजर तुम ले सकते हो, जिद्दार है जीबी में बेस्ट मैनेजर। अगर तुम्हारे पास कॉइन है तुम कॉइन से खरीदना चाहते हो तो ज़ावी अलोंसो बेस्ट है। और कोई से भी अगर पेड मैनेजर है जो क्यूसी खेल सकते, क्यूसी में प्रोफिशिएंसी 85 से ऊपर का हाई है, ठीक है, तो तुम वो मैनेजर जरूर यूज कर लेना, ठीक है। सो आप बात कर लेते हैं तुमको कौन सा प्लेयर क्यूसी में चॉइस करना चाहिए। देखो मेरे भाई, क्यूसी में ना हाई स्पीड प्लेयर अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हें ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, लेकिन सिर्फ हाई स्पीड प्लेयर से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यार यहाँ पे प्लेयर लोग ऑटोमेटिकली रन देंगे तो तुम्हें मैनुअली रन करवाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारे प्लेयर के पास वन टच और थ्रू पासिंग है किसी प्लेयर के पास, तो तुमको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। तो ट्राई करना, हम तुम्हारा जितना भी मिडफील्डर और अटैकर हो सब लोगों के पास वन टच थ्रू पासिंग होना चाहिए, फिर तुम्हें क्यूसी खेलने में ज्यादा से ज्यादा अच्छा लगेगा और तुम ज्यादा से ज्यादा चांस क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। ये सिंपल रूल है, क्योंकि यार क्यूसी में बहुत ज्यादा शॉर्ट पासिंग खेलना पड़ता है, थ्रू पासिंग का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, तो तुम्हारे प्लेयर के पास वन टच और थ्रू पासिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और स्पीड से तुम इजिली किसी भी डिफेंडर को इजिली बीट कर सकते हो, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो देखो मेरे भाई, क्यूसी ना इतना आसान नहीं है, तो ये मिस्टेक कभी मत करना। देखो क्यूसी में बहुत सारे प्लेयर ना दो ऑफेंसिव फुलबैक यूज कर लेते हैं, नहीं तो एक ऑफेंसिव फुलबैक एक डिफेंसिव फुलबैक यूज कर लेते हैं। नहीं भाई, क्यूसी में ऐसा नहीं होगा। अगर तुम क्यूसी खेल रहे हो, अगर तुम्हें इस अपडेट के बाद तुम्हें गेम प्ले पता चल गया है, क्योंकि यार इस अपडेट के बाद ना अटैकिंग फुलबैक अपने जगह में नहीं रहते, ठीक है, तो अगर तुम क्यूसी खेल रहे हो ट्राई करना, मस्ट तुम्हारे लिए दो डिफेंसिव फुलबैक मस्ट है, ठीक है, दो डिफेंसिव फुलबैक तुमको यूज करना है। क्योंकि अटैकिंग फुलबैक जब तुम अटैक करोगे बीच रास्ते में अगर तुम बॉल लूज कर दे तो अटैकिंग फुलबैक कभी भी नीचे नहीं आएगा, तो तुम बैक फोर खेलते खेलते बैक थ्री कब हो जाओगे तुमको ही पता नहीं चलेगा। तो ऑलवेज मस्ट यूज करना, बैक फोर खेलो मतलब दो डिफेंसिव फुलबैक और दो सीबी जरूर यूज करना, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं क्यूसी में तुमको अटैकिंग कैसे करना है। देखो मेरे भाई, क्यूसी ना लॉन्ग बॉल काउंटर जैसा नहीं है, क्यूसी में तुमको जितना हो सके शॉर्ट पासिंग में खेलना है। शॉर्ट पासिंग में मतलब वन टू करो, जितना हो सके मिडफील्ड में वन टू करो, जितना हो सके सीएफ में वन टू करो, जितना हो सके विंग में वन टू करो। वन टू ही तुम्हारा असली क्विक काउंटर है, ठीक है। क्विक काउंटर तुमको एक्चुअली में कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे ये प्लेयर है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा वन टू कर लूँ तो ओपोनेंट का पूरा डिफेंस खुल जाएगा। देखा कैसे मैंने वन टू करके ओपोनेंट का पूरा डिफेंस खोल दिया, इसको बोलते हैं असली क्विक काउंटर। ये क्विक काउंटर में तुमको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा ये सब करने का, ठीक है। तो अगर तुम क्विक काउंटर खेलते हो तो तुम ट्राई करना, ठीक है, जितना हो सके मिडफील्ड में ओपोनेंट को डोमिनेट करना, मिडफील्ड में ओपोनेंट को एक एक प्लेयर को पकड़ पकड़ के वन टू करके एकदम बाहर कर देना गेम से, तो तुम क्यूसी में ज्यादा अच्छा खेल सकते हो और ज्यादा अच्छी तरीके से ओपोनेंट को गोल कर सकते हो। तो अटैकिंग में ऑलवेज ख्याल रखना कि तुम ज्यादा से ज्यादा वन टू करो, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट पासिंग करो और ओपोनेंट को शॉर्ट पासिंग करते करते और ओपोनेंट का डिफेंस कब तुम तोड़ के चले जाओ ओपोनेंट को पता भी ना चले, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं डिफेंस। देखो मेरे भाई, क्यूसी में बहुत सारे प्लेयर लोग ये कंप्लेन कर देते हैं कि यार क्यूसी में डिफेंस बहुत खराब है, क्यूसी में डिफेंस नहीं कर पाते। क्योंकि यार क्यूसी में ना तुमको अच्छा डिवाइस होना चाहिए, तुम्हारे डिवाइस में कॉन्स्टेंटली 60 FPS होना चाहिए, तुम्हारे पास अच्छा नेट होना चाहिए। अदरवाइज तुम अगर ये सब कुछ तुम्हारा लैक करता है, ठीक है, तो तुम क्यूसी नहीं खेल, क्योंकि क्यूसी में एकदम फ्रैक्शन ऑफ टाइम में तुम्हारा डिफेंस ओपन हो जाएगा, ठीक है, और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो तुम्हारा अच्छा डिवाइस और अच्छा इंटरनेट होना चाहिए अगर तुम क्यूसी में अच्छा डिफेंस करना चाहते हो। और अगर तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है, क्लियर द बॉल। हाँ मेरे भाई, तुम्हारे डिफेंडर के पास बॉल है क्लियर कर दो, सिंपल, कोई झंझट ही नहीं है। कोई तुम लीड कर रहे हो, तुम बैक में हो, मतलब तुम कमबैक करना चाहते हो, लेकिन तुम बॉल को क्लियर कर दो। एक गोल में हारो कोई बात नहीं, लेकिन दो गोल होना नहीं चाहिए, ठीक है। एक गोल में हारो, एक गोल मारो कोई बात नहीं, क्यूसी में तुमको ज़्यादा फोकस अटैकिंग में करना है, डिफेंस में नहीं। अगर तुम ज़्यादा फोकस डिफेंस में करते हो तो तुम क्यूसी मत खेलो, ठीक है। ज़्यादा फोकस अगर डिफेंस में करना है तुम लॉन्ग बॉल काउंटर खेलो, जो मेरे वीडियो में तुम देख कर समझ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा अटैकिंग करना है, ज़्यादा गोल करना है, क्यूसी तुम्हारे लिए बेस्ट है। लेकिन अगर तुम ऐसे प्लेयर हो जो पता ही नहीं है क्यूसी खेले ना लॉन्ग बॉल काउंटर, तो तुम ये वाला वीडियो देखो, ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चलता हूँ।